हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म शहजादा का फर्स्ट लुक टीजर, जो कि 10 फरवरी 2023 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म का टीजर बहुत ही ग्रैंड तरीके से शुरू होता है और वॉइस ओवर से ये भी पता चलता है कि फिल्म में एक्शन होने वाला है। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। कार्तिक आर्यन को हम एकदम नए अवतार में स्टाइलिश एक्शन करते हुए देखते हैं, विच ही इज नेवर डन बिफोर। जैसे जैसे फिल्म का टीजर आगे बढ़ता है, एक्शन एंड मोर एक्शन दिखाया गया है। और फिर आता है कार्तिक आर्यन का इंट्रोडक्शन शॉट ऑन वेस्पा स्कूटर। वाओ, लव इट। फिल्म में कीर्ति सैनन भी हैं, जो ग्लैमर और हाइट दोनों में जबरदस्त हैं। कार्तिक आर्यन से उनकी केमिस्ट्री फिल्म लुका छुपी में अच्छी थी और लोगों ने पसंद भी किया था। वाओ, सो आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पेयर। फिल्म शहजादा एक रोमांटिक एक्शन एंड फैमिली ड्रामा लग रही है, फुल मसाला मूवी है। बट हाल ही में फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये अल्लू अर्जुन की हिट फिल्म अला वेकंथपुरमलु की रीमेक है, और खबर ये थी कि इस हिंदी फिल्म के मेकर्स ने उसे हिंदी डब वर्जन में रिलीज नहीं होने दिया या बहुत बड़ी कीमत देके ओरिजिनल फिल्म वालों को हिंदी डब वर्जन लाने से रोक दिया था। फिल्म डायरेक्ट किया रोहित धवन ने, जिन्होंने देसी बॉयज और धिशुम डायरेक्ट की थी। फिल्म चले ना चले, मुझे रोहित धवन की फिल्मिंग अच्छी लगती है, कड़क लगती है, स्टाइलिश रखते हैं फिल्म को। फिल्म प्रोड्यूस की है टी सीरीज और अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अरविंद ने। हालांकि कार्तिक आर्यन को अल्लू अर्जुन के फैंस रीमेक बनाने पे ट्रोल कर रहे हैं, पर मेरे लिए फिल्म का फर्स्ट लुक अच्छा है, दमदार है। मेरे हिसाब से इस साउथ की हिट फिल्म का रीमेक करके ठीक किया है कार्तिक ने। वो एक्शन करते हुए अच्छे लग रहे हैं। बॉलीवुड नीड्स अ कंप्लीट एक्शन रोमांटिक हीरो और कार्तिक उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। गुड थिंग। नाउ वेटिंग फॉर द ट्रेलर। तो भाई और बहनों, ये था फिल्म शहजादा का फर्स्ट लुक टीजर का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। रिव्यू ठीक लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना और शेयर करना कार्तिक आर्यन के फैन फ्रेंड्स को। अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।